नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का दूसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। आईपीएल 2021 का दूसरा और एक और रोमांचक मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। गुरु और शिष्य के बीच खेले गए आईपीएल के दूसरे मुकाबले में ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद चेन्नई की टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ टू प्लेसिस चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में कोई बड़ी शुरुआत नहीं दे पाए। चेन्नई को पहला झटका पारी के दूसरे ही ओवर में लगा। फाफ टू प्लेसिस को आवेश खान ने LBW आउट करके दिल्ली की टीम को पहली सफलता दिला दी। फाफ टू प्लेसिस 3 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके तुरंत बाद अगली ओवर में उनके साथी खिलाड़ी यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ को क्रिस वोक्स ने शिखर धवन के हाथों कैच आउट कराया। ऋतुराज गायकवाड़ 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। यहाँ पर चेन्नई की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम पिछले साल की तरह इस साल भी खराब फॉर्म से जूझ रही है, लेकिन फिर तो नए बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल चेन्नई की टीम की तरफ से खेलने वाले मोइन अली के साथ बल्लेबाजी करने चेन्नई की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और मिस्टर IPL के नाम से मशहूर सुरेश रैना मैदान पर उतरते हैं। जिस समय दोनों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए उस समय चेन्नई की टीम महज 7 रन बनाकर अपने 2 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। अब यहां से इन दोनों को ही चेन्नई की टीम को संभालना था। फिर इन दो अनुभवी बल्लेबाजों ने चेन्नई की टीम के लिए एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। मोइन अली और सुरेश रैना ने सेट होने के बाद दिल्ली के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। इन दोनों ने लगभग पारी के 8वें ओवर तक चेन्नई का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में अश्विन ने मोइन अली को 36 रनों पर शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन मोइन अली जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बावजूद भी चेन्नई के लिए बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू ने सेट बल्लेबाज सुरेश रैना का बखूबी साथ निभाया और इन दोनों ने फिर से उसी तेजी से चेन्नई की पारी को आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, इसी बीच सुरेश रैना ने अपने आईपीएल करियर का 39वां अर्धशतक पूरा किया, लेकिन फिर दूसरे छोर पर खड़े अंबाती रायडू को टॉम करण ने शिखर धवन के हाथों कैच आउट कराया। रायडू 16 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके बाद चेन्नई के लिए धमाकेदार पारी खेल रहे सुरेश रैना एक विवादास्पद रन आउट के शिकार बने। रन लेते वक्त गेंदबाज आवेश खान के बीच में आ जाने के चलते सुरेश रैना को रन आउट होना पड़ा। सुरेश रैना 36 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। सुरेश रैना के बाद बल्लेबाजी करने वो खिलाड़ी आया जिसका पूरा भारत इंतजार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिनकी बल्लेबाजी देखने के लिए हर कोई बेसब्र था। लेकिन धोनी इस मुकाबले में 2 गेंदों से ज्यादा नहीं खेल पाए और आवेश खान ने उन्हें बिना खाता खोले ही क्लीन बोल करके आउट कर दिया। अंबाती रायडू, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी जैसे विकेट लगातार गिरने के चलते अब चेन्नई की टीम दबाव में थी। अच्छी शुरुआत के बाद अब अंतिम ओवरों में चेन्नई की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा अब रविंद्र जडेजा और सैम करन के कंधों पर था। इन दोनों ने अपना काम बखूबी निभाते हुए अंतिम ओवर्स में दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इन दोनों ने अंतिम ओवरों में लगातार 10 के रन रेट से 50 रन चेन्नई की टीम के लिए बनाए, जिसके चलते 160 रनों पर ही सिमटी हुई दिखाई दे रही चेन्नई की टीम ने 188 रनों का एक विशाल लक्ष्य दिल्ली जैसी मजबूत बल्लेबाजी वाली टीम के आगे रख दिया। दोस्तों, उसके बाद चेन्नई से मिले 189 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की तरफ से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने चेन्नई के दिग्गज तेज गेंदबाजों की पूरी तरह धुलाई करी। इन्होंने पहले पावर प्ले में यानी पहले 6 ओवर में लगभग 11 की औसत से बल्लेबाजी करी। इन दोनों ने 5वें ही ओवर में दिल्ली की टीम का अर्धशतक पूरा कर दिया। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन धमाकेदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी के हर एक पैतरे को दिल्ली के 2 धुरंधर बल्लेबाज चकनाचूर कर रहे थे। इन दोनों ने पारी के 10वें ओवर तक दिल्ली की टीम को 99 रनों तक पहुंचाया। इसी बीच पृथ्वी शॉ ने 27 गेंदों में 192 की स्ट्राइक रेट से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं उनके तुरंत ही बाद उनके साथी खिलाड़ी यानी कि शिखर धवन ने भी 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इन दोनों ने 100 रनों की साझेदारी अपनी टीम के लिए बना दी। अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाने के बाद पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। इन दोनों ने 12वें ओवर तक दिल्ली का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए ट्वेन ब्रैवो ने पृथ्वी शॉ को मोइन अली के हाथों कैच आउट करा दिया। पृथ्वी शॉ 38 गेंदों में 72 रनों की लाजवाब पारी खेली। पृथ्वी शॉ के आउट हो जाने तक दिल्ली की टीम लगभग यह मुकाबला जीत चुकी थी, लेकिन हम सभी को पता है कि धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम कभी भी हार नहीं मानती है। अंतिम ओवर में लगभग दिल्ली की टीम को जीत के लिए 7 की औसत से रनों की आवश्यकता थी,
दिल्ली को अपनी जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी जीत के बीच में खड़े थे महेंद्र सिंह धोनी, और धोनी की एक बेहतरीन गेंदबाजी में बदलाव ने दिल्ली की टीम को अंतिम ओवर में भी मुश्किल में डाल दिया था। धोनी ने पारी के 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी पर लगाया और उन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद पर सेठ बल्लेबाज शिखर धवन को LBW आउट करके दिल्ली की टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया। शिखर धवन 56 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंत में दिल्ली के बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए IPL के दूसरे मुकाबले को अपने नाम करते हुए चेन्नई की टीम को एक करारी मात दे दी। तो दोस्तों, अब शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अब अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा।